हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। राहुल गांधी नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। बिहार में चमकी बुखार से हो रही मौतों पर लिया फैसला। बिहार में चमकी बुखार से हो रही मौतों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ले लिया बड़ा फैसला। आप देख रहे हैं द न्यूज टॉक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर दीजिए। राहुल गांधी आज अपनी बुधवार को जन्मदिन भव्य तरीके से नहीं मना पाएंगे। जी, आपको बता दें कि चमकी बुखार से बिहार में मौतों पर राहुल गांधी ने लिया है बड़ा फैसला। राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन भव्य तरीके से नहीं मनाने का फैसला कर लिया है। आज राहुल गांधी 49 साल के हो रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं। वो यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता ने राहुल से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मना कर दी थी। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के साथ वे राहुल बच्चों से मिलेंगे। राहुल गांधी के जन्मदिन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान उन्हें लंबी जिंदगी और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। कांग्रेस ने भी राहुल के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन ऐलान किया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित पार्टी दफ्तर में पैड लगाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी ने भव्य पार्टी करने से मना कर दिया है। राहुल गांधी 19 जून 1970 को पैदा हुए थे। राहुल गांधी पहली बार 2004 में अमेठी से सांसद बने थे। इसके बाद 2009 और 14 में भी जनता ने उन्हें जिताकर संसद भेजा, लेकिन 2019 का चुनाव उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा। पार्टी ने उनकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव जीता। इसके बाद राजनीति में राहुल गांधी का कद और ऊंचा हो गया, लेकिन लोकसभा 2019 में न्याय स्कीम के ऐलान के बावजूद कांग्रेस की सीट इतनी पक्की नहीं हो सकी। आपको बता दें कि हालांकि अब वे इस्तीफा नहीं देंगे और पार्टी अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आप भी राहुल गांधी को विश करना चाहते हैं तो कमेंट करके विश कर सकते हैं।